हेलो फ्रेंड्स, आई एम मोना फ्रॉम सर्व स्टार चैनल और आज हम बनाने जा रहे हैं गोंद और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, जो टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ही हेल्दी होते हैं और सर्दियों के दिनों में विशेष रूप से खाए जाते हैं ये और बहुत ही स्वादिष्ट रहते हैं। इसका हेल्थ पे भी बहुत अच्छे फायदा करता है ये। डिलीवरी के बाद भी खाए जाते हैं ये और जब आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही हो तब आप यदि ये एक लड्डू खा लें दूध के साथ तो आपको तुरंत एनर्जी फील होती है और बहुत आसानी से बनता है ये, ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। तो ये लड्डू आप घर पर ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको ये पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। तो चलिए अब हम लड्डू बनाना शुरू करते हैं। गोंद और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 100 ग्राम गोंद, ये आसानी से मार्केट में मिल जाता है। 50 ग्राम खारक, इसे मैंने छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है। 250 ग्राम शक्कर का बूरा, या इसकी जगह आप पीसी हुई शक्कर का भी यूज कर सकते हैं। 50 ग्राम बादाम, 50 ग्राम सूखे नारियल को मैंने कद्दूकस कर लिया है। 5 कप आटा गेहूं का, 100 ग्राम मखाने, 500 ग्राम शुद्ध घी, थोड़ा इलायची का पाउडर और थोड़े खसखस के दाने लिए हैं मैंने। और अब सबसे पहले हम यहाँ पर एक पैन ले लेंगे, गैस ऑन करेंगे और इसमें हम घी ऐड करेंगे। पूरा नहीं डालना है हमें घी और इसे गर्म होने देंगे। ये हमारा घी अच्छी तरह से गर्म हो गया है और अब इसमें जो हमने गोंद लिए हैं इसे हम थोड़ा थोड़ा इसमें डालेंगे और इसे हम तलेंगे। पूरा एक साथ नहीं डालेंगे, फ्लेम स्लो कर देंगे। ये तलने पर इस तरह से सिक जाते हैं ये और इस तरह से फूल जाएंगे, लेकिन यदि हम एक साथ डाल देंगे तो वो कहीं कहीं कच्चे रह जाते हैं, इसलिए इसे थोड़ा थोड़ा ही तलेंगे। और इसे हमें सिर्फ फूलने तक ही तलना है, इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसके टेस्ट में फर्क आ जाएगा। और इसी तरह से अब हम बाकी का गोंद भी तल लेंगे हमारा सारा। और अब गोंद तल लेने के बाद इसी घी में हमने जो ये मखाने लिए हैं इसे भी हम डालकर हल्का सा भून लेंगे। इसे हम एक साथ डाल सकते हैं और बस 1 से 2 मिनट के लिए इसे चलाते रहेंगे और निकाल लेंगे फिर हम इसे। इसे भी स्लो फ्लेम पर ही सेकेंगे हम और ये भुन गए अच्छी तरह से। अब इसे वापस निकाल लेंगे हम। और अब इसी पैन में ये जो हमने नारियल कर लिया है कद्दूकस किया हुआ, इसे भी हम हल्का सा 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे स्लो फ्लेम पर। नारियल को भी हम स्लो फ्लेम पर ही सेकेंगे और ज्यादा देर नहीं सेकेंगे। और अब गैस ऑफ कर देंगे और इसे भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। और अब इसके बाद ये जो हमने गोंद तल कर रखा है इसे हम मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। और अब गोंद ग्राइंड करने के बाद इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। और अब सेम पॉट में हमने जो मखाने रेडी किए हैं ये बादाम, खसखस, खारक और ये नारियल जो हमने सेका था ये, इन सबको हम साथ में ग्राइंड कर लेंगे। अब इसकी लीड कवर कर लेंगे और इसे हम हल्का सा दरदरा ग्राइंड करेंगे। और अब इस ड्राई फ्रूट के मिक्सचर को भी हम अलग प्लेट में निकाल लेंगे। इसे हमने थोड़ा दरदरा ही पीसा है, एकदम बारीक पाउडर नहीं बनाया है इसका। और अब इसके बाद एक पैन लेंगे, गैस ऑन कर देंगे, पैन को गर्म होने देंगे। और पैन गर्म हो जाने के बाद इसमें हम ये आटा ऐड कर देंगे और अब इसे हमें स्लो फ्लेम पर ही सेकना है। इसे फ्लेम अगर आप तेज कर देंगे तो आटा चिपक सकता है नीचे से, इसलिए इसे स्लो फ्लेम पर सेकेंगे और इसे सेकने में लगभग 10 से 15 मिनट का समय लग जाएगा। और इसे बीच बीच में चलाते जरूर रहे हम, बिल्कुल ऐसे ही नहीं छोड़े, सभी तरफ से सेकना चाहिए अच्छे से। ये देखिए हमारा आटा अच्छी तरह से सिक गया है, इसका कलर हल्का सा चेंज हो गया है, बादामी कलर पे आ गया है ये। और मैंने इसे स्लो फ्लेम पर ही सेका है और इसे सेकने में 15 मिनट के करीब लग गया है मुझे। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर रही हूँ मैं। और इसके बाद एक बड़ा बर्तन लिया है मैंने ताकि सारी चीजें मिक्सअप करने में आसानी रहे, इसमें मैं ये निकाल लूंगी। और अब सीके हुए आटे में हम हमारे बाकी की चीजें मिलाएंगे। तो ये इलायची पाउडर, ये ड्राई फ्रूट्स का मिक्सचर, गोंद,
इसे हम मिक्स कर लेंगे। इसमें शुगर या हमने जो बूरा लिया है वो बाद में डालेंगे, एकदम गरम गरम में नहीं ऐड करना है हमें। 5-1 मिनट इसे ठंडा होने देंगे, उसके बाद बूरा डालेंगे इसमें और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेंगे। और अब इसमें हम शक्कर का बूरा ऐड करेंगे। ये हमारा आटा हल्का सा ठंडा हो गया है और अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें शक्कर का बूरा या पाउडर शुगर आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अब इसे मिला लेंगे अच्छी तरह से। और अब इसके बाद हमने जो ये घी लिया था इसे हम इसमें ऐड करेंगे। आधा डालने के बाद इसे मिक्स कर लेंगे एक बार। और अब इसे हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लें, चम्मच से अच्छी तरह से मिलेगा नहीं ये। और अब इसमें थोड़ा थोड़ा घी डालते हुए हम इसे मिक्स करते जाएंगे। और जब आपको लगे कि हमारे लड्डू बंद जाएंगे इतने घी में, उसके बाद ना डालें। घी अपने ज़रूरत के हिसाब से आप ऐड करते जाएं इसमें। और अब इसके हम छोटे छोटे या आपको जो शेप पसंद हो उस हिसाब से इसके हम लड्डू बांध लेंगे इस तरह से। बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हुए हैं ये और बहुत टेस्टी होने के साथ हेल्दी भी हैं। ये देखिए इस तरह से लड्डू बनाकर हम इसमें रखते जाएंगे। और इसी तरह से हमारे सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे हम। देखिए ये लड्डू बनकर तैयार है। तो ये हमारे गोंद और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनकर बिल्कुल तैयार है। इस ठंड में आप घर पर जरूर ट्राई करें टेस्टी और हेल्दी लड्डू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।